हे गाइस, तो मैं भी थोड़ी देर पहले ही ट्रांसफॉर्मर देख कर आया हूँ। और सच बताऊँ, ये मूवी मुझे ठीक ठाक लगी। मतलब इससे पहले मैंने बम्बल भी देखी थी काफ़ी टाइम पहले, और मुझे बम्बल भी ही याद है, मतलब ट्रांसफॉर्मर सीरीज के नाम पर। और जब मैंने आज ये मूवी देखी ना, तो सच में मुझे ठीक लगी, मज़ा आया, लेकिन बोर नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं स्टोरी के हिसाब से सोचूँ तो इस मूवी में स्टोरी तो कुछ थी ही नहीं। मतलब जो बेसिक थिन लाइन स्टोरी थी कि बाहर से कुछ लोग आए हैं और अन धरती पर रहने वाले लोगों को उनसे निपटारा करना है, जो थिन लाइन स्टोरी थी उसको उतना ज़्यादा ट्रैक किया गया, जिसके कारण कई पॉइंट्स पे थोड़ी बोरिंग हुई। स्क्रीन पे उतना इंगेजिंग नहीं रहा जितना होना चाहिए था। इसी कारण से हम कई कई पॉइंट्स पे सकते यार थोड़ा अब आगे होना चाहिए कुछ, जो कि बुरी बात है। लेकिन स्टिल हम बोर नहीं होते, हम पूरे टाइम इस मूवी में इन्वेस्ट रहते हैं। अच्छे टाइम पर एक्शन ब्लॉक्स रखे गए हैं, जिसके कारण हमें मज़ा आते रहता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जहाँ तक बात है एक्शन CGI और उस लोकेशंस की, तो वो काफ़ी अच्छे हैं। CGI मुझे पसंद आया है, ऑल दो थोड़ा और बेटर हो सकता था, कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, लेकिन स्टिल ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, तो कुछ ही इंसानी कैरेक्टर्स हैं, सभी का काम अच्छा है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन काफ़ी बेटर होना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्टर के पास एक थिन लाइन स्टोरी थी, और उस थिन लाइन स्टोरी में इतनी जान थी कि इस पर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई जा सके। लेकिन स्टिल डायरेक्टर ऐसा करने में फेल हुए हैं, और डायरेक्टर के पास वो जो चांस था उन्होंने वो मिस करा है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्शन अगर बेहतर होता तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती, जो कि काफ़ी बुरी बात है। क्योंकि डायरेक्टर, क्योंकि अगर आपने बम्बल भी देखी होगी तो अगर आपको पता ही होगा कि बम्बल बी की भी एक थिन लाइन स्टोरी थी, स्टिल डायरेक्शन के कारण वो मूवी काफ़ी पसंद आई थी, और काफ़ी सारे लोग उससे इमोशनली कनेक्ट हुए थे। इस मूवी में इमोशनल सीन्स है, इमोशनल कनेक्शन बनता है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, वो बहुत छोटा सा होता है। इसके कारण जो मेजर पोर्शन है वो कब आके कब चले जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा, जो काफ़ी बुरी बात है। जहाँ तक बात है एडिटिंग की, एडिटिंग ठीक ठाक है, थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी, बाकी ओवरऑल ठीक ठाक है। प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, क्योंकि ये मूवी 2017 2015 में नहीं बनी है। जैसा कि अगर आपने पिछले ट्रांसफॉर्मर से अगर आप कंपेयर करते हो, तो ये मूवी 2023 में रिलीज़ हुई है, तो इस मूवी का प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ओवरऑल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ठीक ठाक रहा, कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं था, लेकिन ठीक ठाक ज़रूर था। मैं बोर नहीं हुआ, मेरा टाइम पास अच्छा हुआ है, लेकिन मैं इस मूवी से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के गया था। बाकी अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।